हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हूँ सोमवार संध्या। आज संध्या समय अनेक छोट बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी सब खबर गुड़िक जाना आप निहाती आवश्यक रही। विशेष भाव में आज राज्य एवं देश सहित जिलार प्रमुख गुरुत्वपूर्ण खबर रही। करोना महामारी संपर्कित खबर हो कि आसूची पुणी आउ एक लघुचाप छात्र छात्री मानक गुरुत्वपूर्ण सूचना टी आसी। तेणु आपड़ भिडियो संपूर्ण देखने आज संध्यार सब गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जापारे। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाया आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल जब भी नुआ नुआ वीडियो आसीबो आपन सर्वप्रथमे देखिपारे। नंबर एक, वैषयिक शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक पुणी बदलिबो शिक्षा वर्ष। देश में करोना संक्रमण दिनकु दिन बढ़िबार लगी। वैषयिक शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक शिक्षा वर्ष आरंभ हेबा नै पुणी थरे गाइडलाइन जारी करिछि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बा AICTC। विद्यालय गुड़िक अनुबंधित लगी पूर्वर मे 15 समय सीमा थिबा बेले एबे एहाकु सेप्टेम्बर 15 जाय घुंचाई दिया जायछि। प्रथम पर्याय काउंसलिंग तथा नामलेखा प्रक्रिया अक्टोबर 20 सुधा सर। द्वितीय पर्याय काउंसलिंग तथा नामलेखा अक्टोबर 20 सुधा सर। यह सहित द्वितीय पर्याय काउंसलिंग नवंबर 1 सुधा शेष हो। खाली पड़ा सीट रे नाम लेखापी नवंबर 15 सुधा प्रक्रिया सारापी कहुई। यह सहित PGDCM एवं PGCM पाठ्यक्रम व्यतीत वैषयिक शिक्षा ग्रहण करुवा अन्य छात्र छात्री क्लास सेप्टेम्बर 1 ठार आरंभ कर। नंबर दुई, बहुचर्चित शिक्षयित्री इतिश्री मृत्यु मामलें दोषी सब्यस्त होता शिक्षक नेत्रानंद मृत्यु। रायगड़ार बहुचर्चित टिकिरी इतिश्री शिक्षयित्री मृत्यु मामलें दोषी सब्यस्त होता शिक्षक नेत्रानंद दंडसेना मृत्यु हो जाए। आज सका नेत्रानंद मृत्यु हो जाए कोरापुट मंडल कारागार जेल पक्षर सूचना दि जाएगी। प्राप्त सूचना अनुसार दोषी नेत्रानंद दंडसेना कोरापुट शहीद लक्ष्मण नायक हॉस्पिटल रे मृत्यु होती। कोरापुट मंडल कारागार रे आजीवन कारादंड भोगुवा नेत्रानंद दंडसेना देह असुस्थ होगा गत काली राति शहीद लक्ष्मण नायक हॉस्पिटल रे भर्ती कर सूचनाजोग्य 2013 अक्टोबर 27 तारीख में रायगड़ा जिलार टिकिरी प्राथमिक विद्यालय शिक्षयित्री इतिश्री देह में निआ लग दि जा 2013 मसीहा नवंबर 1 तारीख में इतिश्री प्रधान मृत्यु घटी। तेब यह केस रे रायगड़ा जिला कोर्ट 2016 एप्रिल 26 तारीख में नेत्रानंद दंडसेना शिक्षक इतिश्री हत्या मामलें दोषी सब्यस्त करते आजीवन कारादंड घोषणा करते पर से कोरापुटर मंडल कारागार थे। नंबर तीन, पुणी चीन को लगे 40,000 कोटी टकर झटका। चलित बर्ष उत्सव ऋतु में स्वदेशी सामग्री को अधिक व्यवहार करिबा एवं चीन सामग्री को वर्जन करिबा लगी सर्वभारतीय व्यवसायी संघ पक्षर आह्वान दि जाएगी। यार प्रभाव में चीन को 40,000 कोटी टकर झटका लगे आकलन करा। चीन सामग्री वर्जन करने महासंघ पक्षर सर्वभारतीय अभियान भारतीय सामग्री आमर अभियान जारी कर चलित बर्ष दीपावली को संपूर्ण रूपे भारतीय दीपावली भाव में पालन करने संघ आह्वान दे। चीन कौनसी सामग्री जबली लोक मैंने व्यवहार न करती ता निश्चिंत करने लगी यार जनसचेतनता सृष्टि करा। गणेश पूजा को ढंग से पालन करने संघ पक्षर आह्वान दि जाए। माटी तैयारी गणेश पूजा करने लोक परामर्श दि जाए। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्णाटक, गोवा, केरल, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पश्चिमबंग, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में गणेश पूजा धूमधाम से पालन करा। स्वदेशी सामग्री को अधिक व्यवहार करने लोक मूँगी जदि लोक मैंने स्वदेशी सामग्री व्यवहार करती तेरे चीन रु आउ सामग्री मगैबापी पड़े ना बोली संघ पक्षर कहुई। तेणु संघ पक्षर यह आह्वान दि जाए। नंबर चार, पुणी दाना बांधुची आउ एक लघुचाप। कालीठारु सबु जिले प्रबल वर्षा संभावना। राज्य में जारी रही लघुचाप जनित वर्षा पूर्वर लघुचाप दुर्बल हो पड़ता बेले एवं बंगोपसगर में पुणी 19 तारिखर आउ एक लघुचाप दाना बांधि। आसंता कालीठारु यार प्रभाव में राज्य में बर्षार परिमाण बढ़ी। भुवनेश्वर पाणिपाग विभाग विशेषज्ञ मनमोहन दास यही सूचना देते दाना बांधुवा लघुचाप प्रभाव में आसंता कालीठारु राज्य में किसी जिले में वर्षा संभावना रही। या सहित यह जिलागुड़िक झारसुगुड़ा, बरगढ़, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज से हीपरी बुधवार दिन राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही। यह जिलागुड़िक सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, संबलपुर, देवगढ़ और अनुगुल यह जिलागुड़िक पाणिपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर। नंबर पाँच, राज्य में बढ़िबार लगी करोना आक्रांत संख्या। आज पुणी राज्य में 2,244 जन नुआ आक्रांत चिन्ह होती। क्वारेटाइन केन्द्र में
1390 जन थिबाबेले स्थानीय संक्रमित होइचंती 854 जन फळरे राज्य रे एबे मोट आक्रांत संख्या 62294 रे पहुंचला। तेबे एबे राज्य रे मोट 42276 जन सुस्थ होइ घर को फेरिचंती। एबे चिकित्साधीन अवस्था रे अछंती 19612 जन। लोक संपर्क विभाग पक्षर यह सूचना दिया जाएगी। तेबे आज आक्रांत मध्य अनुगुण में 15, बालेश्वर में 142, बरगढ़ में 35, भद्रक में 104, बलांगीर 37, बौद्ध में 49, कटक में 194, ढेंकानाल 18, गजपति 6, गंजाम 243, जगत सिंहपुर 16, जाजपुर 98, झारसुगुड़ 12, कलाहांडी 67, कंधमाल 121, केन्द्रापड़ 27, केन्दुझर 13, खोर्धारु 311, कोरापुटरु 94, मलकानगिरी 98, मयूरभंजरु 91, नवरंगपुरु 21, नयागढ़ 13, नुआपड़े 9, पुरी 68, रायगढ़ 160, संबलपुर 35, सोनपुर 11, सुंदरगढ़ जिले में आज 136 जन आक्रांत चिन्हट होती। नंबर 6, राज्य में आज पुणी 10 जन जीवन नहीं कोरोना महामारी। राज्य में आज आउ 10 जन मृत्युवरण करिसंती। याकु मिसाई राज्य में एबे मोट मृत्यु संख्या 353 रे पहुंचला। आज मृत्युवरण करितिबा 10 जन मध्य खोर्धारु 4 जन, गंजाम जणे, बरगढ़ जणे, कटकुर जणे, पुरीर जणे, रायगढ़ आज जणे और सुंदरगढ़ जिलूर आज जणे मृत्युवरण करिसंती। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्ष सूचना अनुसार वर्तमान सुधा मृत्यु संख्या केउ जिले केतेहला ताहार रिपोर्ट आसी। अनुगुल जिले में वर्तमान सुधा 3, बालेश्वर 7, बरगढ़ 4, भद्रक 5, बलांगीर 1, कटक 18, ढेंकानाल 1, गजपति 16, गंजाम 155, जगत सिंहपुर 2, जाजपुर 4, सुंदरगढ़ 1, कलाहांडी 2, कंधमाल 7, केन्द्रापड़ 3, केन्दुझर 5, खोर्धार 48, कोरापुट 2, मलकानगिरी 2, मयूरभंज 3, नवरंगपुर 1, नयागढ़ 9, नुआपड़ 0, पुरी 9, रायगढ़ 15, संबलपुर 7, सुवर्णपुर 1, सुंदरगढ़ जिलूर आज पर्यंत 22 जन मृत्युवरण कर सारे। यहाँ मिसाई राज्य में एवं मोट मृत्यु संख्या 353 पहुंचला। नंबर 7, एणिके पुराणा सुना गहना बिकिले देवाक पड़पे जीएसटी आसुचे नुआ नियम। एबे पुराणा सुना गहना बिकिले देवाक पड़ आपणको 3% जीएसटी एबे आपणको देवाई पड़ जीएसटी रो आगामी काउंसिल बैठक में यह निष्पत्ति नियाजाई परे बोली आलोचना होउची। केरलर अर्थमंत्री एने सूचना देइछंती। फळरे पुराणा सुना गहना बिकिबा पूर्वरु आपणको जेउ लाभ मिळुतला एबे ताहा कमिजिव। केरलर अर्थमंत्री कहिछंती राज्यगुडिकर अर्थनीति समूह बैठक में पुराणा सुना एवं गहना बिक्री करबा उपरे 3% जीएसटी लगाइबा सहमति प्रकाश होइछि। न्यूज एजेंसी पीटीआई रा सूचना अनुसार यही मंत्री समूह बैठक में केरल, गुजरात, पंजाब, कर्णाटक एवं पश्चिमबंगर अर्थमंत्री माने शामिल होते। सुना एवं बहुमूल्य रत्न परिवहन पर ई वेब बिल उपर कार्यकारिता समीक्षा पर यह मंत्रित्व समूह बैठक आयोजन करा। वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे यही मंत्री समूह बैठक आयोजन होता। नंबर 8, सावधान फेसबुक लगाउची कटकणा एणिकी काहाकु भी छाड़बनी। संप्रति सारा विश्व रे एबे फेसबुक जोगाजोगर माध्यम पलटिची। स्थिति एमिति होइछि जे फेसबुक ही सुख दुखर साथी पलटि जाइछि। केतेबेले एहार बंधुत्व मजबूत करुची तो केतेबेले राजनेता एवं समाजसेवी को मध्य परिचित कराउची। तेबे गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य एथिरे ग्रहण करुची फेसबुक। तेबे ए सब मध्यरे फेसबुक मध्य विवादरे छंदी होई पड़िछि। निकटरे पूर्वतन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फेसबुक एवं व्हाट्सएप को टार्गेट करिया परे एने फेसबुक कर्तृपक्ष मुह खोलिछंती। फेसबुक पक्षर कुहा जाइछि जे फेसबुक तहार समस्त व्यवहारकारी पोस्टर को एडिट करुची। यह कौन से प्रकार घृणा सूचक मंतव्य एवं यह प्रश्रय देना यह उपर फेसबुक कड़ा कटक लगैया जाऊँच। फेसबुक समस्त व्यवहारकारी सामान सारा विश्वपाई यह गोटे नियम एर अंतर करा। नंबर 9, उपर मुंडरे लगाण वर्षा प्रभाव में हीराकूद जलभंडार में खोलिला 12 गेट। उपर मुंडरे प्रबल वर्षा जारी रही फल हीराकूद जलभंडार जलस्तर बढ़ुची। भंडार भितर को प्रति सेकेंड को 2,04,69 क्यूस्क जल प्रवेश करुच्चर 1,93,353 क्यूस्क जल प्रति सेकेंड में निष्कासन करलस्तर वृद्धि पाथ्व बंध कर्तृपक्ष बर्तमान 12 गेट खोल जा बनाजल निष्कासन होतमान हीराकूद जल
ଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 615.41 ଫୁଟ ରହିଛି। 12ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ଖଇରିମାଳଠାରେ 4,96,000 ଜଳ, ବାରିମୂଳଠାରେ 4,36,000 ଏବଂ ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରେ 1,60,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯେତିକି ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେତିକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରମୂଳାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସହିତ 2 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର ଆଜି ବାରମୂଳା ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ନାକା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆଜି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 1 ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସହିତ 2 ଜଣ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 11, ଦେଶରେ 50,000 ଟପିଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 57,822 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏବେ କରୋନା ଜନିତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,47,47,664 ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 941 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 50,921 ପହଞ୍ଚିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ଦେଶରେ 1,19,942 ପହଞ୍ଚିଛି ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଦେଶରେ 6,76,900 ରହିଛି।